শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে লাইলাপুৰ ঘটনাত আহত অসম আৰক্ষীৰ বহুকেইগৰাকী জোৱান। ত্ৰিশৰো অধিক জোৱান চিকিৎসাধীন হৈ আছে এছ এম জি এইচত। উল্লেখযোগ্য যে লাইলাপুৰত মেজৰ গুলীচালনাত আহত হৈছিল এই সকল জোৱান। ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে চিকিৎসাধীন আৰক্ষীৰ জোৱানে। কিদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে জোৱানে। जी हम लोग तो गए थे उस दिन लगभग 10-11 बजे से, उस दिन मतलब परसों जी 26 तारीख का। तो जाने के बाद हम लोग ऐसे फायरिंग क्या बोलते हैं, हमसे गया नहीं, हम लोग तो सिर्फ ऐसे मीटिंग के लिए गए थे उस दिन। तो उस दिन हम लोग एसपी साहब, डीआईजी साहब सब थे वहाँ पे। तो हम लोग सब एक जगह में इकट्ठा थे। वो लोग पहले से मतलब पहाड़ में चढ़े थे, पहाड़ में सब पोजिशन लेके बैठे हैं मिजोरम पुलिस वाले। हम लोग को पता भी नहीं है कि उन लोग हम लोग के ऊपर फायर डालने वाले हैं। हम लोग एक जगह में सब खड़े थे, अचानक उन लोगों ने फायर डाल दिया। कितने बजे की घटना है? हाँ जी, कितने बजे की घटना है ये? आपका लगभग शाम के 4 बजे की घटना है। अच्छा, आप लोग भी इधर से अपने कहाँ पे लोग, कौन से लोकेशन में आप लोग? हम लोग लैलापुर जी, लैलापुर पापा, लैलापुर थाना से 1.5 किलोमीटर थोड़ा सामने उधर। तो फायरिंग के दौरान हम लोग का दोस्त लोग उसी जगह में मतलब डेथ हो गया, और मेरा पेट भी टूट गया उस टाइम फायरिंग के दौरान। अधूना पेट टूट गया मेरा। मैं 6th CB बटालियन से हूँ, 6th CB बटालियन सामने पुलिस बटालियन जी। आखिरकार ये तनाव हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ और ये झड़प अचानक? ये तो बहुत दिन से चल रहा है, मतलब वो लोग हम लोग आसाम की तरफ आ रहे, मतलब बहुत बार उन लोगों को बोला था, नहीं मान रहे, हम लोग आसाम की तरफ आ रहे हैं। हम लोग बोल रहे कि चलो ठीक है, जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे रहिए, नहीं मान रहे। वहाँ जोर जबरदस्ती घुस रहे हमारा आसाम की तरफ, अचानक फायर डाल दिया उस दिन। नहीं, पहले हम लोग तो गोली, हम लोग उस पोजीशन थे ही नहीं, हम लोग गोलीबाग उस पोजीशन में थे ही नहीं। उन लोगों ने पहले फायर डाल दिया, फायर डाला मतलब ऐसे फायर डाला बारिश जैसा गोली आया था हम लोगों पर। तो बाद में हम लोग मैंने फायर डाला, हम लोग फायर डाला, हमको हम लोग नीचे में हैं और लोग ऊपर पहाड़ में हैं। तब फायर हम लोग का फायर का उतना काम नहीं आया, हम लोग नीचे में था, हम लोग ऊपर से किया है, तो वही बात है। मतलब उसीलिए हम लोग ज़्यादा जख्म नहीं हुआ है, 6 लोग वह जगह में डेथ हो गए। वही मतलब बहुत लोग ऐसे जख्मी हुआ है। मेरा दो दोस्त है, मेरा पार्टनर है, वो तो जगह में डेथ हो गया, बुरा लगा। एक ही साथ थे हम दोनों। तनाव तो हम पब्लिक तो उन लोगों का जो पब्लिक है और मिजोरम पुलिस जो है, वो लोग पहले से तैयार होकर बैठे थे। पब्लिक ने भी हमला किया और पब्लिक के हाथों में भी राइफल थे, हम लोग के पास भी थे। उस टाइम में मीटिंग था एसपी सर दूसरा का पास है, वो मिजोरम का जो ऑफिसर है उसका पास बातचीत शुरू हो गया। उस टाइम में चेयर में बैठा था, उस टाइम से वो पब्लिक को पत्थर मारा शुरू हो गया। पत्थर मारने का शुरू का पीछे वो भी गोली मार दिया। आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? एसपी सर का नज़दीक मेरा हाथ में एक माइक था, वो माइक लेके और पेंसिल सब लेके उसका साथ में था। उस टाइम से पत्थर से शुरू हो गया। आपका क्या उसी टाइम पे हाथ फ्रैक्चर? उसी टाइम में हम लोग का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। नहीं, अचानक कोई माहौल नहीं है, वो बातचीत करता है उस मिजोरम का जो ऑफिसर और हम लोग का जो ऑफिसर मुख से बातचीत करता है। उस टाइम से फायरिंग शुरू हो गया, पत्थर भी शुरू हो गया। फायरिंग किधर से हुई है? वो मिजोरम बॉर्डर से फायरिंग शुरू हो गया। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।